अस्सलाम वालेकुम, टेक आई टी वी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी सर्विसेज़ और गिग्स बताने लगा हूँ जो कि टॉप इन डिमांड रहती हैं। ये ऐसी गिग्स और सर्विसेज़ हैं, अगर आप इसको सीख लेंगे तो यकीन कीजिए कुछ वक्त के बाद आप एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट कमाना स्टार्ट कर देंगे। और ये ऐसी सर्विसेज़ हैं जो कि फाइवर के अलावा किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर आप चले जाएँ, वहाँ पर भी इनका काम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यार काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें और आई बटन पर आपको कुछ और वीडियो भी मिलेंगी, वो भी लाजमी देखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं सर्विस आपको बताऊँगा ये मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ। आपने ये नहीं समझना कि जो मैं पहले बताऊँगा वो पहले नंबर पर है और जो मैं लास्ट में बताऊँगा वो पाँचवें नंबर पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ दोस्तों, वो कैटेगरी है ग्राफिक डिज़ाइन की। अब दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा सब कैटेगरी आती हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से इन सभी के ऊपर ग्रिप हासिल कर लें, आप इनके अंदर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको टाइम लगेगा। स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपने कुछ इसमें से दो या तीन या चार आपने सेलेक्ट करनी है सब कैटेगरी, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रोफेशनल बनना है, फिर आपने अपने काम को स्टार्ट करना है। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों। आप लोगो डिज़ाइन की जो कैटेगरी है ये सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। इसके साथ आप स्टेशनरी डिज़ाइन या पोस्टर कार्ड या फ्लायर कार्ड डिज़ाइन ये आप साथ में सीख लें। इसके अलावा मज़ीद कैटेगरी आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें से आपने स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ दो या तीन पिक करनी है, इसके ट्यूटोरियल देखें बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस करें और अपनी फाइवर के ऊपर या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी गिग को क्रिएट करना है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जो मैं आपको सर्विस बताने लगा हूँ दोस्तों वो है मार्केटिंग के वाले से, डिजिटल मार्केटिंग के वाले से। कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो भी लाजमी होती है। इसके अंदर जो सबसे मशहूर कैटेगरी है दोस्तों वो यही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। इसके साथ साथ SEO आती है, लोकल SEO और SEO और ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग और ई कॉमर्स की मार्केटिंग। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों ये ज़्यादा यूज़ होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो आप इसमें से कोई भी स्टार्ट करें, दो या तीन अपनी प्रैक्टिस करें और अपनी गिग को क्रिएट करें। बढ़ते हैं अपनी अगली सर्विस की तरफ। तो अगली सर्विस है दोस्तों वो है वीडियो एडिटिंग के वाले से, वीडियो एनिमेशन के वाले से। यहाँ पर दोस्तों वीडियो के अंदर भी बहुत ज़्यादा मज़ीद कैटेगरी आती हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो वाइट बोर्ड की एनिमेशन है, एनिमेटेड एक्सप्लेनर जो होते हैं आजकल उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है वाइट बोर्ड एनिमेशन का। इसके अलावा दोस्तों आप लोगो एनिमेशन, एनिमेटेड GIF और इंट्रोज़ या आउट्रोज़, शॉर्ट वीडियोज़, एनिमेशन शॉर्ट वीडियोज़, यहाँ पर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए जो शॉर्ट वीडियो बनाई जाती हैं वो भी बहुत चलती हैं। तो आप वीडियो एडिटिंग का शौक़ रखते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग की। अब राइटिंग के अंदर दोस्तों अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यकीन कीजिए ये भी सर्विस बहुत ही कमाल की है। इसके अंदर आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग और ट्रांसलेशन का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा चलता है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, इस तरह के जो काम है ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपने इसके अंदर लाजमी गिग बनानी है, अपनी सर्विस क्रिएट करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपने इसको और आपने इम्प्रूव करना है और ये भी काम आपका बहुत ज़्यादा चलेगा। बाकी जो इसकी सर्विसेज हैं डिफरेंट टाइप्स की वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों बात करते हैं दोस्तों वो है वेबसाइट डिज़ाइन के वाले से। वैसे ये पाँचवें नंबर पर नहीं आती, ये पहले ही आती है, मैंने वैसे इसको एंड पर रखा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं आपको रैंडमली बताऊँगा। अब यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट के वाले से डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट बनाना है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा CMS जैसी जो वेबसाइट हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसी वेबसाइट या ई कॉमर्स की बिजनेस वेबसाइट, शॉपिफाई स्टोर, इस तरह की जो वेबसाइट हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल बन रही हैं क्योंकि हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहता है। और यहाँ पर दोस्तों जो SEO का कोर्स है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आ जाता है और इसके अंदर भी आ जाता है। SEO का कोर्स भी बहुत ज़्यादा काम का है, वो भी आप सीखें, डिजी स्किल से सीख लें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये थी दोस्तों कुछ सर्विसेज जो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। अब आपने इन पांच में से किसी एक को पिक करना है, उसके ऊपर आपने अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना है और अपनी गिग को बनाना है डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंशाल्लाह आपकी जो रैंकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी और आप अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।